खरगोश की भक्ति। एक समय की बात है, जंगल में तीन दोस्त थे, खरगोश, सियार और बंदर। वह तीनों एक साथ रहते, खूब खेलते और मजे करते। लेकिन इनमें से सियार बहुत ही आलसी था। खरगोश सियार से कहता, दोस्त, तुम हमेशा आलस में ही रहते हो, कम से कम अपने लिए समय पर भोजन तो तलाश लिया करो। सियार बोला, जब तुम जैसे दोस्त हो तो मुझे भोजन तलाशने की क्या जरूरत। बंदर बोला, हाँ हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अपने काम भी खुद करने चाहिए। हर रोज ऐसा ही चलता था, तीनों एक दूसरे को समझाते, कोई परेशानी हो तो उसे भी सुलझाते। एक दिन बंदर ने खरगोश और सियार से कहा, दोस्तों, कल पूर्णिमा है, तो क्यों ना हम इस दिन किसी गरीब इंसान को कुछ दान करें। खरगोश बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, दान करने से पुण्य मिलता है। सियार बोला, ठीक है। बंदर, सियार और खरगोश ने पूर्णिमा के दिन दान करने का संकल्प लिया। अगली सुबह वह दान करने के लिए एक इंसान को खोजने लगे। तभी खरगोश ने एक बूढ़े भिखारी को देखा और बोला, दोस्तों, वह देखो, एक बूढ़ा गरीब इंसान लगता है, यह बहुत भूखा है। बंदर ने कहा, हाँ हाँ, ये बेचारा तो भीख मांग रहा है, क्यों ना हम इन्हें ही दान करें। कुछ समय तीनों ने सोच विचार किया। तभी खरगोश बोला, दोस्तों, इस बूढ़े गरीब को लगता है भूख लगी है, इसके पास भोजन नहीं है, चलो हम इन्हें कुछ खाने को देते हैं। बंदर बोला, हाँ हाँ, ठीक है, मैं कुछ फल लेकर आता हूँ और वह इस बूढ़े गरीब आदमी को दान कर देता हूँ। बंदर फल लाया और भिखारी के सामने रख दिए। तभी खरगोश बोला, मेरे पास कुछ पुराने फल हैं, मैं वह सब इन्हें दान कर देता हूँ। खरगोश अपने घर से पुराने फल लाया और भिखारी को दान कर दिए। कुछ समय बाद बंदर बोला, सियार दोस्त, क्या दान करोगे इस गरीब इंसान को। सियार बड़ा ही आलसी था, वह बोला, अब कौन पेड़ों से फल तोड़े, मेरे सामने छिपकली है, मैं उसे मार के वही इस भिखारी को दान कर दूंगा। तभी सियार ने छिपकली पकड़ी, उसको मारा और पानी के साथ उस भिखारी के पास रख दिया। तभी खरगोश बोला, दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस इंसान को कुछ पसंद आया हो। बंदर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। खरगोश बोला, मुझे लगता है इंसान मांस खाकर ज्यादा खुश होते हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें खुश करूं। कुछ देर सोचने के बाद अचानक खरगोश खुद से बोला, इंसान को मांस पसंद है, क्यों ना मैं खुद की बलि दे दूं, जिससे यह गरीब इंसान खुशी खुशी मेरा मांस खा सके। तभी खरगोश ने आग जलाई और गरीब इंसान के सामने उस आग में कूद पड़ा, लेकिन अचानक वह आग बुझ गई। खरगोश बोला, यह क्या, मैं तो जला ही नहीं। तभी वह बूढ़ा इंसान एक देवता के रूप में आ गया। उसने खरगोश को कहा, खरगोश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मुझे खुश करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, तुमने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया। खरगोश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। खरगोश बोला, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद सदा मुझ पर और मेरे दोस्तों पर रखना। देवता ने उसे और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया और चले गए। बंदर और सियार ने खरगोश को गले से लगा लिया।